अब बात करेंगे बड़ी खबर की जो आ रही है बैतूल से, जहां सुकन्या समृद्धि योजना में बैतूल अव्वल नंबर पर आया है। यहां पर जो खाते खुले हैं उसमें पहला स्थान हासिल किया है। देश भर के जिलों में पहला नंबर मिला है। जिले में सबसे ज्यादा सुकन्या खाते खोले गए। एक महीने में 17,000 खाते यहाँ पर खुले हैं। 9 दिसंबर 2019 को यह अभियान शुरू किया गया था। योजना की शुरुआत से अभी तक जिले में 32,000 खाते खुल चुके हैं। अभियान की तारीख बढ़ाकर 18 जनवरी कर दी गई। डाक विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। बेटियों की शिक्षा और शादी को लेकर ये योजना शुरू की गई थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना में बैतूल अव्वल नंबर पर आया है। देश भर के जिलों में उसे पहला नंबर मिला है। जिले में सबसे ज्यादा खाते सुकन्या के खोले गए हैं। एक महीने में 17,000 खाते खोले गए। 9 दिसंबर 2019 को यह अभियान शुरू हुआ था। योजना की शुरुआत से अभी तक जिले में 32,000 खाते खुल चुके हैं। अभियान की तारीख बढ़ाकर 18 जनवरी कर दी गई है। वहीं डाक विभाग के कर्मचारियों को इसके लिए सम्मानित किया जाएगा। बेटियों की शिक्षा और शादी को लेकर यह योजना शुरू की गई थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना में बैतूल अव्वल नंबर पर आया है। देश भर में जिले को पहला नंबर मिला है। जिले में सबसे ज्यादा सुकन्या खाते खोले गए हैं। एक महीने में 17,000 खाते खोले गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी घनश्याम राठौर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। घनश्याम, आपसे जानना चाहेंगे, सुकन्या समृद्धि खाते खोलने के मामले में बैतूल नंबर वन पर आया है, किस तरह से ये उपलब्धि हासिल हुई है बैतूल को? जी सर, ये बाल सशक्तिकरण अभियान के तहत सुकन्या के खाते खोले गए थे, जिसमें बैतूल और पूरे देश भर के जिले इसमें शामिल थे, जिसमें बैतूल में एक माह में लगभग 17,000 खाते खोले गए हैं, जो कि किसी भी जिले में इतने अधिक खाते नहीं खुले हैं। ये देश भर में सबसे ज्यादा अधिक खाते बैतूल जिले में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खोले गए जी। तो किस तरह से ये उपलब्धि हासिल हुई है, किस तरह से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है यहाँ पर सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए, क्योंकि जो उपलब्धि हासिल हुई है वाकई बैतूल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जी। सर, बताया जा रहा है कि डाकघर के माध्यम से कलेक्टर और महिला बाल विकास अधिकारी, इन लोगों का इसमें भरपूर सहयोग रहा है। अधिकारियों के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्रों में खाते खोले गए हैं, और इसकी राशि जो है, पहले 1,000 रुपए में यह खाता खुलता था, और उसके बाद जब इसमें 250 रुपए किया गया जब तक खाता खोलने के लिए, तो बहुत अधिक संख्या में खाते खोले गए। यहाँ तक कि सर, इसमें ये बता दें कि जब से योजना शुरू हुई है तब तक भी इतने खाते नहीं खुले थे जितने सिर्फ एक महीने में इस बार खुले जी। तो वहीं अब इसी को देखते हुए अभियान की तारीख बढ़ा दी गई है, 18 जनवरी कर दी गई है, तो क्या लगता है कि अभी और भी बढ़ा दी जा सकती है? हाँ बिल्कुल सर, पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के मुताबिक उनका मानना है कि 25,000 समथिंग पूरे खाते हो सकते हैं, मतलब 17,000 से बढ़कर 25,000 तक हो सकते हैं जी। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बैतूल में सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज्यादा खाते खुले हैं, इसलिए वो नंबर वन पर आया है। जिले में सबसे ज्यादा खाते खुले, एक महीने में 17,000 खाते खोले गए। 9 दिसंबर 2019 को यह अभियान शुरू किया गया था, और योजना की शुरुआत से अभी तक 32,000 खाते खुल चुके हैं। और इसी को देखते हुए इस अभियान की तारीख भी बढ़ा दी गई है। 18 जनवरी तक इस अभियान को जारी रखा गया है। डाक विभाग के कर्मचारियों को इसके लिए सम्मानित किया जाएगा। बेटियों की शिक्षा और शादी को लेकर यह योजना शुरू की गई थी।